इतने दिनों में बहुत माल इकट्ठा हो गया होगा, प्रश्नों का अंबार इकट्ठा हो गया होगा, हो गया। ये कंबोडिया में 12 शताब्दी में एक बड़ा विष्णु मंदिर बनाया, वो सूर्य वर्मा का खुद होता है, इसका कारण क्या है? ये बेहद का कारण 12वीं शताब्दी में बहुत बड़ा मंदिर, विष्णु मंदिर, अब वो बोधि विष्णु मंदिर बनाया, इसका बेहद का कारण क्या है और अर्थ का कारण क्या है? विश्व में उतना बड़ा मंदिर नहीं है विष्णु मंदिर कंबोडिया में। तो मंदिर जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं उनके इकट्ठी करते रहते हैं, वो तो आपका बेहद का कारण होता है ना। तो कंबोडिया हमारे देश नहीं है ना। हम कंबोडिया हमारे देश में कहाँ? कंबोडिया अलग देश है। उसमें विष्णु मंदिर बनाने का कारण क्या है? वो अब बौद्ध का वश में है। जब भारतवासी दूसरे देशों में पहुंचते हैं तो वो बनाते रहते हैं। भारतवासी जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ जाकर के उन्होंने मंदिर बनाए। क्रिश्चियन से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ गिरजाघर बनाते हैं। मुसलमान जहाँ जहाँ जाते हैं मस्जिद बनाते हैं। कोई के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो लगा दिए उसने, कंबोडिया से कमाए तो कंबोडिया में लगाए। राजा का नाम सूर्य वर्मा उधर बनाया है ना, वो मंदिर, वो उसका नाम सूर्य वर्मा, वो तो हिंदू होता है ना। हिंदू ही बनाएगा मंदिर, और कौन बनाएगा? इधर से उधर कैसा है? इधर से उधर सूर्यवंशी कैसा कनेक्शन हुआ? तो कंबोडिया में सूर्यवंश का संबंध कैसा? सूर्य वर्मा तो बनाने वाला था, मंदिर का ही का बनाया, विष्णु का, फिर सूर्य मंदिर थोड़े ही कहेंगे उसे। हाँ, जापान के लोग अपन को कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भारत से आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाद पहला भारतीय धर्म कौन सा निकलता है? बौद्ध धर्म निकलता है। क्रिश्चियंस और इस्लामी तो दूसरे धर्म के, दूसरे देश के हो गए, इसलिए बौद्ध ही अपन को सूर्यवंशी मानते हैं। ये मुरली का पॉइंट है बाबा, ये सूक्ष्म मिशन ब्रह्म से ये साकार ब्रह्म ये श्रेष्ठ नहीं है, वो तो श्रेष्ठ है ये वो सूक्ष्मतन ब्रह्मा, ये वाणी का पॉइंट है। साकार में श्रेष्ठ नहीं है करके बोलता है, इसका कारण क्या है? सूक्ष्मतन में सभी श्रेष्ठ है ना। सूक्ष्मतन में होते हैं फरिश्ते, श्रेष्ठ है, जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं होता है, तो श्रेष्ठ तो हुए ना। जो रिश्ते नाते देह के संबंध निभाते हैं वो भ्रष्ट हैं कि श्रेष्ठ हैं? भ्रष्टाचारी दुनिया से पैदा हुए हैं। इधर तो ये ब्रह्मा, ये साकार ब्रह्मा पुरुषार्थ करते हैं ना। साकार ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती है, साकार ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती है, मंदिर भी नहीं बनाए जाते, मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती। यही ब्रह्मा मुरली में बोला है, जब साकार शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतनवासी बन जाएगा, संपूर्ण बन जाएगा, तो संपूर्ण बनने के बाद फिर कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है, फिर उसकी पूजा होती है। घर की याद आ रही क्या? अब ये महात्मा गांधी जन्मदिन विश्व
महात्मा गांधी जन्मदिन विश्व अहिंसा दिन आचरण करने के लिए विश्व संस्था डिक्लेयर किया है, इसका कारण क्या आपको? इसका बेहद का अधिक का कारण क्या होता है ना? महात्मा गांधी जो राज्य स्थापन करके गए, उस राज्य में हिंसा बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है, अब तो घटी नहीं है, बढ़ी है। हिंसा तो और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन जो गांधी के फॉलोअर्स है वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस राज्य बना रहे, तो एडवर्टाइज करने के लिए उन्होंने ये उपाय निकाला। वो तो विश्व समस्या है, वो यूएन में वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वो किया है ना, भारत में नहीं, भारत का वासी कांग्रेस वाला नहीं है, वो तो विश्व समस्या वाला है ना। दुनिया में बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है विश्व शांति के लिए, ढेर सारी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और अशांति बढ़ती चली जाती है। विश्व शांति के पुरस्कार बहुतों को मिलते रहते हैं, तो अशांति बढ़ाने के पुरस्कार मिल रहे हैं या शांति पैदा करने का पुरस्कार मिल रहा है? हैं? अगर शांति का पुरस्कार मिल रहा है तो शांति बढ़नी चाहिए, शांति करने के लिए पुरस्कार मिलता है, शांति करने शांति बढ़ी वो तो करता है ना वैसा, तो झूठा काम हो रहा है ना। वो तो करने का, वो सेवा करने का वैसा उनका दृष्टि शांति होना, विश्व शांति होना, लेकिन होता नहीं है, वो तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन करता रहता है ना। इसका मतलब झूठा काम हो रहा है ना संसार में, तो ऐसे ये गांधी की जयंती के अवसर पर इस तरह का अगर कोई उपक्रम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो झूठा एडवर्टाइजमेंट है। गांधी जी तो शांति चाहते थे, राम राज्य चाहते थे, लेकिन बजाय राम राज्य के और ही रावण राज्य हो गया। अंग्रेजों का जो राज्य था उसमें फिर भी कायदा कानून जास्ती था, कायदे कानून को मानते थे लोग, अब तो एकदम कायदा कानून छोड़ दिया। झूठे मुकदमे पास होते रहते, सच्चे मुकदमे फेल हो जाते। सच्चा काम करने वाले जेल में चले जाते, झूठा काम करने वाले बाहर रहते, बड़े बड़े नेता बन जाते, मिनिस्टर बन जाते। तो कहते हैं माया का पंप एंड सो, झूठे झूठ मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। आज तो सब समस्या समाधान स्वरूप हो गए। क्या बात है, आज मुरली में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं निकलेगा। चलो, माताएं जल्दी घर जाना चाहती है।